चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लेकिन इस 5 सालों में कुछ ही नहीं हुआ, इससे पहले काम हुआ यार। कि भाई कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा कुछ पता ही नहीं, जिसके थोड़े जान तो कहते हैं हाँ भाई वो करवाएंगे। जब टाइम खत्म हो ले जब सब भूल जाए। एक से लड़के को कॉलेज नहीं है। एक ऐसा कोई बारात घर नहीं, गरीब आदमी जिसमें जाके कुछ कर डर ले। CCA में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में अभी खड़े हुए हैं और जिला शामली का ये कस्बा झिंझाना है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 4 मई में यहाँ वोट पड़ने हैं। आज हम कस्बा झिंझाना में लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय बन रही है। झिंझाना कस्बा में बहुत से उम्मीदवार हैं जो इस बार मैदान में हैं। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूँ। यहाँ भाजपा से सुरेश कश्यप जी और जो गठबंधन से प्रत्याशी आए हैं वो आदिल नवाज जी है और बाकी निर्दलीय लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं अपने चुनाव चिन्ह पर। तो यहाँ हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कस्बे के वासी, और इन्हीं लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय बन रही है, क्या लोगों में हो रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार बड़े भाई, और चुनाव है आपके यहाँ, नगर निकाय चुनाव है, क्या लग रहा कस्बा झिंझाने में क्या होने वाला? नहीं थोड़ा सा क्या माहौल चल रहा है, थोड़ा सा क्या माहौल क्या चल रहा है? यहाँ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कैसा चुनाव कैसा रहता है? चुनाव बढ़िया रहेगा। तो कई उम्मीदवार मैदान में है तो अभी कुछ क्या? अभी तो फिलहाल किसी कोई सब ऐसे ही चर्चा में है। फिलहाल तो चर्चा में 9 साथी आ रहा लोगों के। 9 साथी। चलिए, क्या नाम भाई साहब आपका, क्या नाम? मेरा नाम शादाब है। शादाब भाई, नगर निकाय चुनाव है आपके यहाँ, इस बार कई चेहरे मैदान में हैं चुनाव को लेकर, तो क्या आपको लग रहा है इस बार किस तरह आप देख रहे हैं? चेहरे तो सभी के अच्छे हैं, लेकिन वो तो टाइम बताएगा को किसका किसका बढ़िया है किसका नहीं, लेकिन सब उम्मीदवार अच्छे हैं। क्या कौन है इस पूर्व चेयरमैन कौन थे यहाँ? पूर्व चेयरमैन यहाँ के थे हाजी सरफराज। इस बार नहीं है वो चुनाव? मैं उनके भाई हैं। क्या नाम? फिरोज खान। फिरोज खान जी, मैं उनका भी चेहरा बहुत अच्छा है, मैं भी उनके भी बहुत वोट हैं। अच्छे काम रहे कस्बे में जी। चलिए, और भी लोग हमारे साथ अंदर है। नमस्कार जी, आज चुनाव है आपके यहाँ, नगर पालिका चुनाव है? नहीं थोड़ा सा वो वही कस्बे में क्या माहौल क्या हलचल चल रही है अभी? माहौल तो सही चल रहा है अभी, कुछ अभी तो शुरुआत होगी, पता लगेगा अभी। लेकिन फिर भी जो कस्बे के जो काम रहते हैं जैसे बिजली पानी सड़कें, जो पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने ऐसे काम किया? भाई चेयरमैन तो पहली बात तो करता कोई नहीं, अब तक तो हमने कोई देखा नहीं ऐसा हिसाब कि भाई सारे कह तो दें सब के सब चीज़ तैयार हो जाएगी, वो भी पानी की भी सुविधा लाइट की भी सुविधा, लेकिन ऐसे कोई देखी नहीं अभी तक। आगे किससे उम्मीद कर रहे हैं जैसे थोड़ा सा? उम्मीद तो जब देखेंगे, जब देखे क्या होता है, उम्मीद तो भी किसी से कुछ नहीं है। जब लग के हमने इतना हमारा 57-58 साल की उम्र आ गई, आज तक नहीं देखा हमने, कोई बात हुई नहीं आज तक के कि भाई कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा कुछ पता ही नहीं, जिसके थोड़े जान तो कहते हैं हाँ भाई वो करवाएंगे। जब टाइम खत्म हो ले जब सब भूल जाएं कि क्या होया क्या नहीं, बात करके भी राजी नहीं, फिर धोरे भी जाके। कोई भी चेहरा हो आने वाले समय में, आप क्या आपके काम आपके कस्बे में कौन सा ऐसा काम होना चाहिए जो सभी समाज को सुविधा दे? भाई हम तो कहते हैं कि भाई सुविधा होनी चाहिए, हो कोई भी इसमें, हम ये नहीं कहते यानी कि हो कोई, हमारे लिए तो सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि वो होना चाहिए कि जो इस कस्बे का ध्यान रखे। जी बड़े मियाँ, आपके हिसाब से क्या सुविधा नगर में होनी चाहिए? भाई देखो ना, तो यहाँ कोई एक से लड़के का कॉलेज नहीं है। एक ऐसा कोई बारात घर नहीं, गरीब आदमी जिसमें जाके कुछ कर डर ले, ये सुविधा घरों घरों में करे, बस अपना ये तो बेचारा कहीं तंबू बना काट ले कहीं, ये अपना भाई कहीं घरपुर में अपना पेट से बेला। अब मेरी जो में कोर्ट जाएगा 20-40 हज़ार रुपये किसके पास रखे, गरीब आदमी कहाँ से लाओ? चुनाव है नगर पालिका में आपके यहाँ कस्बे में, किस तरह की आप चीज़ें देख रहे हैं? भाई कस्बे में जो जिससे जुड़ा हो कर रहा हो, निचारा के मेरा आदमी हो रहा, वो गिरा मेरा आदमी हो रहा, अभी कोई पता नहीं क्या कौन हो रहा, अभी तो टाइम भी है थोड़ा ही और काम भी शुरू होगा, पता तो जब ही लगेगा जब घूमे फिरेंगे। तो जैसे 5 साल पूरे हुए चेयरमैनी को, कस्बे में कुछ काम हुए पब्लिक के लिए? काम तो यही हो, थोड़े बहुत हो गए, थोड़े बहुत रुक गए, थोड़े बहुत करा दे, बस यही होता है, कोई पूरा करता ही नहीं। तो ऐसा कोई है काम हुआ हो 5 सालों में जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज को फायदा पहुंचा रहा हो? फायदा तो ये लेटरिंग बाथरूम बनेंगे, मतलब लेटरिंग बनी, ये फायदा होया,
तो कस्बे में ऐसी कोई सुविधा हो पाई जैसे स्टेडियम या पार्क या जो बिजली पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिजली पानी के काम होते हैं? बिजली पानी का काम सही चल रहा है, साफ सफाई भी होती है नगर, साफ सफाई भी होती है, पर ज्यादा मामला खराब जो है सड़क का है। अच्छा, और ऐसा भी कुछ नहीं है हमारे जिंजाने में कि जैसे चार मेहमान हमारे यहाँ आ जाएं तो उनको ले कर हम कहीं, ऐसा नहीं कभी किसी पार्क में ले कर चले जाएं या किसी ऐसी जगह घूमने के लिए ले कर चले जाएं कि जो उनका जी खुश हो हमारा भी जी खुश होगा, भाई हमारे मेहमान हम इनको ले कर जा रहे हैं, ऐसी कोई कुछ नहीं है। ऐसी कोई सुविधा कस्बे में कुछ नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल हो रहा आखिरी आपसे, कोई भी चेहरा हो चेयरमैनी पद पर आगे जो है, आप ऐसा कौन सा काम चाहोगे कस्बे में कि होना चाहिए? बस सबसे मेन चीज़ तो सड़क की चाह रहे हम, सड़क बिल्कुल गाड़ी वाले से ले गए और छापड़ तक, ऑन रोड से बाहर तक बिल्कुल फ्रेश बढ़िया होना चाहिए, जिससे कि पूरे दुकानदार जितने भी हैं अपना सुकून से अपना सामान लगावें और उसको जो है अच्छी तरह रखें, वरना इतना कपड़ा मारते हैं रोड डेली और सब धूल में हो जाता है। एक सवाल हो रहा आपसे, जो कई चेहरे जो नगर पालिका में हैं अभी चुनाव पे जो काबिल है, सबसे अच्छा काम किन का रहा है पहले भी जो चेयरमैन रहे हैं? सरफराज चेयरमैन का, सरफराज चेयरमैन का, और हमारे अभी इससे 5 साल पहले जो काम किया था तो अच्छा काम किया उन्होंने, उससे पहले जो हो रहा है उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन इस 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, इससे पहले काम हुआ है। हम कस्बा झिंझाना में थे, कस्बा झिंझाना में हमने यहाँ लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर कस्बे में क्या हलचल है। लोगों का कहना है कि जो इस बार जो चेयरमैनी पद के जो चुनाव होने वाले हैं, लोगों का अलग अलग लोगों की राय बन रही है और देखते हैं इस बार कौन काबिज झिंझाना की चेयरमैनी पद पर काबिज होगा। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। Thank you.